हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डबल थ्रेडेड बैक स्टिच बताऊंगी कि वो कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने कलर का जो थ्रेड का जो कलर है वो चेंज कर लिया है। उसके लिए मैंने ग्रीन टोन में लिया है। ये रंगोली कंपनी का है, इसके ऊपर नंबर या कुछ भी और मेंशन नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सीख जाएंगे। जैसे ये मेरा छोटा सा थ्रेड है, मैंने ये छोटा सा थ्रेड लिया है। तो क्या करेंगे, अगर हम इससे काम करेंगे तो ये थ्रेड बार बार निडल में से निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक निडल केस आपको एक छोटी सी नोट लगा देनी है। बस ऐसे एक नोट लगा देनी है, जैसे आप काम करोगे तो ये बार बार निडल इस थ्रेड में से नहीं निकलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टिच कैसे करना है। तो ये सबसे पहले हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मजंटा वाले थ्रेड में से, इस में से हम निडल को पास करेंगे, देखिए ऐसे। फिर इस वाले में से हम ऐसे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, जैसे ये फ्रोजी कलर के बने हैं वैसे ही सेम उसके नीचे नीचे आएंगे ये ग्रीन कलर में। फिर यहाँ से बस ऐसे ही आपने सारा स्टिच बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सभी थ्रेड्स के मैंने टू टू स्ट्रैंड्स लिए हैं। अब इसे हम क्लोज़ कैसे करेंगे, बस आपने यहाँ पे इसको ऐसे लास्ट में इसे फैब्रिक में से निकालना है निडल को, और बस आपने इसे बंद कर देना है। ये देखिए, छोटा थ्रेड होने के बाद भी ये बार बार निकला नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटी सी नोट लगा दी थी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।